तो सारे के सारे एवेंजर्स हो गए हमारे बिल्कुल तैयार इस शानदार वाले रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है GDFFU के वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और गाइस सर हम लोग आ चुके हैं खतरनाक वाले रैम चैलेंज में। अभी यहाँ पे ये दो दो हल्क क्यों आए वैसे? अरे ये हल्क नहीं, ये हल्क के मामा है। ओए मैं हूँ हल्क का मामा, कोई दिक्कत है क्या तेरे को? अरे नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने स्पाइडरमैन आ चुके, शिनचैन आ चुकी है, अभी वांडा आ चुकी है और ये हल्क के मामा आयरन मैन हल्क और हमारा क्रिश। अरे क्रिश इतने दिनों बाद क्या हाल है तेरे? मैं मुझे सर दिखाई दे रहा है। अरे वो तो ना पूछा, चल कोई बात नहीं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि रैम चैलेंज में करना क्या है। अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए यहां से जाना है, यहां पर जो टेढ़ी वॉल है यहां से लेके इधर से अपनी गाड़ी को खुदाना है और फिर से फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए इस टनल के अंदर से निकलते हुए फिर वापस यहां से अपनी गाड़ी को खुदाना है और जो ये हॉट एयर बलून होता है इसके ऊपर से पूरी पूरी गाड़ी को खुदाना पड़ेगा और फिर जाते जाते सीधा सामने जाते जाते पानी में हमने एक यार एरिया बनाया उसके अंदर लैंड करना होगा और जो भी लैंड करेगा वो ये रैम चैलेंज जीत जाएगा और उसको ये घर प्राइज में मिलने वाले। आप देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा घर है, इधर गाड़ियां हेलीकॉप्टर सब की सब चीजें, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओए मैं यहाँ पे सबसे बड़ा हूँ इसलिए पहले मैं ही जाऊंगा, मेरी गाड़ी तो देखो। तो गाइस आप देख सकते हो कि हल्के मामा की गाड़ी तो कितनी ज्यादा खतरनाक हो रखी है, इसमें से भाई तगड़े तगड़े धुएं निकल रहे और बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली गाड़ी है। तो अभी ये जा रहे फुल स्पीड में यहाँ से और ये टेढ़ी वाली वॉल पे जा चुके हैं और ये टेढ़ी करके अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे। क्या ये इधर से कूद पाएंगे? और ये गाड़ी को कूदा लिया और ये पहुंच गए, बहुत ही इजीली पहुंच गए और इनकी गाड़ी तो यार बाउंस वाउंस कर रही है, क्या ही मस्ती गाड़ी है। और ये सीधे वापस हो चुके फुल स्पीड में भगाते हुए। अब एक सेकंड, अबे इस टनल में से इनकी गाड़ी निकल भी पाएगी? अबे ये क्या हो गया भाई, इनकी तो गाड़ी निकल, अरे निकल गई, अरे मेरे को लगा नहीं था कि निकलेगी पर आराम से निकल चुकी है। अब बारी अपनी गाड़ी खुदाने की। अरे ये क्या हो गया, इनकी गाड़ी तो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। तो वापस अपनी गाड़ी सीधी करने के बाद यहां से अपनी गाड़ी को खुदा लिया और हॉट एयर बलून के ऊपर से निकलते हुए और सामने सीधा पानी की तरफ बढ़ते हुए और इनकी गाड़ी तो आगे ही नहीं चल रही, अरे यार ये तो बिल्कुल नीचे जा रही है और ये क्रैश लैंडिंग हो गई। और ये हल्क तो यार हल्के मामा तो बहुत ही पीछे रह गए और हल्के मामा होते हैं डिस्क्वालीफाइड। अरे यार ये मैं चाहूंगा ये छोटे बच्चों वाली रेस क्या यार, इतनी सी छोटी सी रेस तुमसे नहीं होती, ये हल्के मामा तो बहुत ही बुढ़ा हो गए थे इसलिए उनसे भी नहीं। देखो मैं एक ही बार में करके दिखाऊंगा यार। तो गाइस यार देखते हैं अपना आयरन मैन क्या करके दिखाता। जब तक यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस ऑल पे सेट कर देना और यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके फटाफट से फॉलो कर लो। और ये अपना आयरन मैन कहां जा रहा है? अरे वो पागल ये क्या कर रहे हैं? अबे ये तो यार बच्चों वाली खेल बोल रहा था, इसको ये तो गिर कैसे रहे? अरे वो थोड़ा मुझे काम याद आ गया, मिलता हूं बाद में। अबे साले बहाने मारता है, रुक जा कहां जा रहा है? तो अभी जाने वाली है वांडा, इसने अपनी गाड़ी निकाली, देखते ही क्या करके दिखाती है। आयरन मैन ने तो बोला था बच्चों की रेस है पर वो तो इधर ही बीच में गिर गए और हल्क के मामा भी यार ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाए। देखते हैं वांडा ये करके दिखाती है। अरे यार मैं देखना अच्छी तरह करके दिखाऊंगा, विजन बाबू ने मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल ढंग से सिखा दिया था। तो ये टनल के यहाँ से तो निकलने वाली है, बस आराम से निकल चुकी है इसकी गाड़ी और इसने अपनी गाड़ी खुदा ली है। और ये क्या गाड़ी से कूद गई? अबे ये तो नीचे गिरने वाली थी पर पैराशूट कहाँ से आ गया इसके पास? पर शूट खोल दिए, सामने वो सर्कल दिख रहा है जिनके अंदर इसको जाना है, क्या ये वहां पे पहुंच पाएगी? देखते हैं। और ये जाते जाते बिल्कुल मेरे को लग रहा है बिल्कुल पहुंच जाएगी। और ये क्या, इसका पैराशूट एक पक्षी ने फाड़ दिया, पक्षी ने सीधा इसको फाड़ दिया और वांडा हो चुकी है डिस्क्वालीफाई। हेला मुझे साहब दिखाई दे रहा है, अब मैं जाऊंगा फटाफट से मेरी गाड़ी मंगा दो, मैं देखना ये रेस जीत के दिखाऊंगा। तो अपना यार क्रिश अभी जा रहा है, इतनी तगड़ी वाली गाड़ी इसने मंगवा ली है, इतनी ज्यादा तगड़ी वाली गाड़ी। गाइस फटाफट से कमेंट में कैसी लग रही है क्रिश की गाड़ी, फुल स्पीड में क्रिश अपना जाते हुए, देखते हैं ये क्या करके दिखाएगा। टनल के यहां से आराम से निकल चुका है और ये गाड़ी सीधा कूदा लिए और ये पैराशूट भी निकाल लिए, क्या ये पहुंच पाएगा? सामने मुझे दिख रहा है पर इसका थोड़ा सा यार मुझे कम लग रही है पैराशूट की स्पीड, ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ जाए जा रहा है और ये नहीं लगता क्रिश पहुंच पाएगा। तो क्रिश भी हमारा हो चुका है डिस्क्वालीफाई, तो हटाओ क्रिश को भी।
अरे विकी मैं अब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट एवर से मेरी कैरी में गए तो देखना मैं मस्त जीत के देखा गए। अरे कई सर मैं ये मस्ती बाइक लेके आया था जिसमें मैं रैम चैलेंज में करूंगा लगी रे। अबे वो गाड़ी ढंग से चला ले साले हेलमेट पहन लिया कर। अरे विकी मैं इतने भी खास नहीं। अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं तो गाइस अभी जरा शिनचैन देखते इसकी बाइक पे ये क्या करके दिखाता है। पहला कंटेस्टेंट है जो कि यार बाइक यूज कर रहा है और ये फुल स्पीड में चाहता है। अबे टेढ़ा नहीं हो रहा शिनचैन नीचे गिर जाएगा। अरे विकी मैं इससे डरता नहीं हूं देखो मैं पहुंच गया। और गाइस शिनचैन आराम से पहुंच चुका है सामने टनल भी आ गई। यहां से अपना शिनचैन आराम से निकल जाएगा। बस अब ये देखना है कि यार वो पानी तक ये पहुंच पाता है कि नहीं। और यहां से जाते हुए सामने अपना हेलीकॉप्टर है। हमने एयर बलून की जगह हेलीकॉप्टर लगा दिया उसके ऊपर से आराम से शिनचैन ने निकाल ली है और ये जा रहा है बिल्कुल उसी की तरफ जा रहा है। और भाई उरे मुझे लग रहा है शिनचैन पहुंच जाएगा। शिनचैन पहुंचे। अरे यार ये शिनचैन तो आगे चला गया बहुत ही और ये शिनचैन हो चुका है डिस्क्वालीफाई। अब जा रहे हैं स्पाइडरमैन शिनचैन तो यार बहुत ही ज्यादा क्लोज था। अब देखते हैं स्पाइडरमैन उनके क्लोज जा पाते कि नहीं। अब एक सेकंड अब स्पाइडरमैन बात सुनियो। क्या हो गया? अबे तेरी एज कितनी है बता। अले 16 साल है ना क्या हो गया। अबे 16 साल की उम्र में गाड़ी चला रहा है चल भाग ऐसे। अले शिनचैन तो 5 साल की उम्र में चला रहा है। अबे शिनचैन अच्छा बच्चा है तू निकल ऐसे। अले ऐसे तो नहीं होता है। अबे निकलता ही पुलिस को बुलाऊं। अले चलो ये चीटिंग करती है शिनचैन को चलवाते मेरे को नहीं चलवाते चलो मैं बाय। हल्क स्पाइडरमैन की गाड़ी यूज करेगा क्योंकि आज हल्क अपनी गाड़ी नहीं लेके आया। अरे आप कोई बात नहीं कर ले गाइस। आप सोचो 16 साल की उम्र में वो गाड़ी चला रहा है ऐसे कोई अच्छी बात होती क्या। शिनचैन तो चला सकता है स्पाइडरमैन नहीं चला सकता। तो अभी हल्क देखते हैं अपना क्या करके दिखाता है ये स्पाइडरमैन वाली गाड़ी पे जा रहा है ये। अरे मैं तो आराम से जीत जाऊंगा क्योंकि ये वाली रेस तो मैंने 10 बार करी है। अबे 10 बार कब करी तूने प्रैक्टिस करके आया क्या। अरे हाँ कल रात को सपने में बहुत प्रैक्टिस करी मैंने। अच्छा सपने में क्या ये तो पागल ही है। और अपना हल्क बिल्कुल सीधा वापस हो चुका है मुझे लगा ये टेढ़ा हो जाएगा पर कोई बात नहीं अपना हल्क बिल्कुल ढंग से जा रहा है ट्रंक के पास ये बस पहुंचने वाला है। गाइस आपको क्या लगता है ये पहुंच पाएगा कि नहीं पानी ये सर्कल के अंदर फटाफट से खबर में बता दो। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। अभी तो यार सबसे क्लोज यार शिनचैन ही पहुंच पाया था उससे थोड़ा आगे चला गया था पर यार सबसे पास में तो वही उतरा है। देखते हैं अपना हल्क क्या करके दिखाता है। इसकी गाड़ी गोल 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 घूमे जा रही है क्या ये पहुंच पाएगा। ये बहुत ही पास तो जा रहा है और इसकी गाड़ी नीचे जाने लगे अरे चक्कर नहीं आ रहा इसको। और ये गाड़ी से अपना खोज चुका है हल्क ने पैराशूट खोल दिए। अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा के ये तो बहुत ही ज्यादा पास पहुंचने वाला है। अरे क्या ये पहुंच जाएगा और ये पहुंच गया और ये सीधा सर्कल के अंदर। अरे भाई साहब हल्क ने तो ये बिल्कुल ढंग से कंप्लीट कर लिया है पर अब बारी है मेरी। अगर मुझे ये रैम चैलेंज जीतना है तो मुझे गाड़ी के साथ उस सर्कल के अंदर लैंड करना होगा। तो मैं हो चुका बिल्कुल तैयार हेलमेट मैंने पहन लिया है तो अभी फटाफट से चलते और गाड़ी के साथ उस सर्कल के अंदर लैंड करते। अगर गाड़ी के साथ मैंने कर लिया तो ये मैं जीत जाऊंगा वरना अपना हल्क जीतेगा क्योंकि वो बिना गाड़ी के वहां पे लैंड हो चुका है। तो अभी अपन फटाफट से चलते अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। मैं बेर मस्ती बाइक लेके आया था और भाई मैं लगा मैं यहीं से नीचे गिर जाऊंगा पर कोई बात नहीं मैंने वापस कर लिया बिल्कुल सीधा सीधा चलते सामने टनल है वहां से कूदेंगे और बिल्कुल ढंग से उसमें अंदर लैंड करने की कोशिश करूंगा। काश मैं जीत जाऊं बस मजा आ जाएगा। अभी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सामने वो कूदने का आ चुका है 3 2 1 और ये मैंने गाड़ी कुदा लिया हेलीकॉप्टर के ऊपर से मैं निकल चुका हूँ। सामने मुझे सर्कल दिख रहा है प्लीज गाड़ी उसके अंदर चली जा उसके बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ और क्या पहुंच पाऊंगा मैं और ये सीधा अंदर चला गया मैं और ये पहुंच गया। यस मैं जीत गया। हल्क तू हार गया मैं जीत गया। अरे नहीं मैं जीता हूँ मैं पहले सर्कल के अंदर पहुंचा था। अबे पर गाड़ी लेके पहले मैं पहुंचा हूँ तो मैं जीत गया। अरे नहीं मैं जीता हूँ। अरे यार तू ही पागल है। अरे मुझे चाहिए वो घर। अरे भाई मुझे भी चाहिए। अरे नहीं मुझे चाहिए। अरे यार अब क्या करें यार। और मेरे पास एक आईडिया है गाइस आप फटाफट से कमेंट में तो आपको क्या लगता है कि कौन जीता ये रेस। मैं यार गाड़ी के साथ इसके अंदर आया हल्क यार अपने उड़ते हुए आया था हल्क यार मान नहीं रहे तो आप बोलोगे तो हल्क मान जाएगा। तो फटाफट से कमेंट बता दो कि कौन ये रैम चैलेंज जीत चुका है। वैसे जीता तो मैं ही हूं पर आप बता देना आपके हिसाब से। तो गाइस यार आज की वीडियो बताइए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जनरल फॉलो कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि ये रैम चैलेंज कौन जीता आपके हिसाब से। अगर मैं मेरा नाम लिखोगे तो ये वाला घर मेरा हो जाएगा और अगर हल्क का नाम लिखा तो ये घर हल्का हो जाएगा। तो गाइस मैं तो आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।